आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी शारदीय नवरात्र के छठवें दिन शत्रु विनाशक पीताम्बरा पीठ पहुंचे। राहुल गांधी ने देवी दर्शन कर विशेष अनुष्ठान किया। माना जा रहा है राहुल गांधी ने आगामी चुनाव में विरोधियों को परास्त करने के लिए यहां पूजा की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी नवरात्र के छठवें दिन दतिया के सिद्धि पीताम्बरा पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने शत्रु नाश की अधिष्ठात्री देवी पीताम्बरा माई के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। ये वही प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित मंदिर है जहां पर राहुल गांधी के नाना व भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर भारत चीन युद्ध के समय देश की रक्षा के लिए मां बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडलीय महायज्ञ कराया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। उस समय यज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला आज भी यहां स्थित है। मंदिर में लगी पटिका पर इस घटना का उल्लेख भी है। इससे पहले पीताम्बरा माई के दर्शन करने 3 बार इंदिरा गांधी व 1 बार राजीव गांधी भी दतिया आए थे। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय जी से। अनुराग जी, राहुल गांधी के पीताम्बरा पीठ दर्शन के क्या मायने हैं? देखिए, जो पीताम्बरा पीठ है वो शत्रु विनाशक पीठ माना जाता है और सामान्य तौर पे वहाँ जो पूजा पाठ होता है वो इस किस्म का होता है कि कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो या शत्रुओं को परास्त करना हो, विरोधियों को परास्त करना हो, इसके लिए पूजा पाठ किया जाता है। तो निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ महीने में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और सभी जगह विजय की कामना को लेकर राहुल गांधी ने वहाँ पूजा पाठ किया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि काफी पहले से तय था कि राहुल गांधी एक बार पीताम्बरा पीठ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और कांग्रेस विजय हो इसकी कामना करेंगे। और इस दौरान आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी अलग अलग मठ में, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। एक जो छवि थी कांग्रेस की, जिसमें कहा जाता था कि अल्पसंख्यकों के हमदर्द हैं कांग्रेसी और उनके साथ चलते हैं, तो राहुल गांधी की छवि को बदलने की कोशिश भी इसके जरिए की जा रही है और कांग्रेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। और ग्वालियर चंबल इलाके में जहां ये पीताम्बरा पीठ स्थित है वहां 34 विधानसभा की सीटें हैं, तो उन 34 सीटों पर अगर कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो मध्य प्रदेश में उसे बढ़त मिल सकती है। इस दृष्टि से भी राहुल गांधी का पीताम्बरा पीठ में जाकर अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, राहुल गांधी के परिवार की भी बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी यहां पीठ पर दर्शन करने आ चुके हैं। हाँ, यकीनन अगर बात करें नेहरू गांधी परिवार की तो ये चौथी पीढ़ी के व्यक्ति हैं राहुल गांधी जो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे वो चीन युद्ध के समय बड़ा अनुष्ठान हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी जी लगातार आती जाती रही, राजीव गांधी गए वहां पे। तो पीताम्बरा पीठ बड़ा शक्तिपीठ है देश का और जो लोग वहां जाते हैं वो बताते हैं कि शत्रुओं को लेके, विरोधियों को लेके वहां पूजा पाठ किया जाए तो जरूर परास्त होते हैं। और इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है और ऐसे में वहां जाके राहुल गांधी का पूजा पाठ करना यकीनन उनकी छवि भी बदलेगा और मध्य प्रदेश में इससे उनको कुछ लाभ भी होगा। जी बिल्कुल अनुराग, धन्यवाद। पीताम्बरा पीठ परिसर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद कमलनाथ, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया, राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हाँ, और यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी पूजा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य, इसलिए कराते हैं पूजा। तो समझ में उनकी, इसमें चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव की उनकी कामनाएं होती हैं, हमारा काम है संकल्प लेना और उनकी मनोकामना है उसको वहाँ तक भेजना। हमारे अर्जी हमारी होती है, मर्जी वहाँ की होती है। अब जैसी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति होती है वैसी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके ये है कि जब इनकी स्वार्थ आते हैं सामने, काम तो क्या करते हैं भगवान जाने, पर स्वार्थ आते हैं तो माँ के दरबार में आने लगते हैं, पर आने के बाद शालीनता से तो नहीं आते हैं। आने पर इतना सब भड़कम मचता है और शोर शराबा होता है जिससे माँ की पूजा अर्चना करना भी बाधित होने लगता है।
बीजेपी के मदमस्त कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भी नहीं सुनते। मुगावली में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कार्यकर्ताओं के अति उत्साह का शिकार होना पड़ा। इस दौरान शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवपुरी जिले की जनता ने मुगावली की जनता ने भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने विकासशील से शिक्षित बनाया और अब समृद्ध मध्य प्रदेश गढ़ने का हमारा संकल्प है। उसका रोड मैप भी तैयार है हमारा और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आशीर्वाद मांगने निकला हूँ। यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। रीवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माऊगंज कमलेश कर कुसे के वाहन पर तैनात आरक्षक रवि पाठक आज सुबह गाड़ी से रवानगी डिफेक्ट लेकर पुलिस लाइन गया था, जहां पर प्रभारी अधिकारी नृपेंद्र सिंह ने ड्राइवर को कहा कि आज तुम्हारी स्पेशल ड्यूटी लगी है। तो ड्राइवर ने कहा कि सर एक बार आप एडिशनल एसपी को इसकी जानकारी दे दीजिए। आरक्षक के इतने कहने पर ही सिरफिरे एमटी प्रभारी नृपेंद्र सिंह भड़क गए और ड्राइवर की जमकर पिटाई लगा दी, जिससे ड्राइवर के शरीर में काफी सारी चोटें आई हैं। रॉड मारने की वजह से आरक्षक रवि का हाथ भी फट गया। इसकी शिकायत उसने एडिशनल एसपी से की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच कर दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा खर्चा कितना है, गाड़ी का कितना बचा हुआ पैसा है, काम करवा लो। एमपी शाखा गया तो नितिन सिंह सुबेदार वहाँ चार्ज में है, तो बोले कि आपकी ड्यूटी वीआईपी में लगा दी गई है और मऊगंज नहीं जाना है। तो मैं इतना बोला कि सर आप श्रीमान जी से बात कर लीजिए कि आपका ड्राइवर हम रोक लिए हैं या वीआईपी के लिए। थोड़ा सा नाराज होते हैं हमसे श्रीमान, बस घर आने लगा, थोड़ा सा मैं विरोध किया तो जैक की राड होती है जिससे मेरे को 3-4 राड मारे रहे, माँ बहन की गाली दिए रहे, बहुत बुरा बुरा बोले रहे। उक्त आरक्षक चालक द्वारा आकर के ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई, इस संबंध में उनकी शिकायत पर जांच की जाएगी और यदि सही पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।